दोस्तों आज हम इंडिया को जिस मुकाम पे देखते हैं ये केवल उन लोगों द्वारा की गई सेक्रीफाइसेस के कारण मुमकिन हो पाया है जिन्होंने खुद की जान की परवाह किए बिना अपने देश की सेवा की। इन लोगों में एक ऐसा नाम शामिल है जिन्होंने इंडिया को वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड की जिसके कारण दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर भी इंडिया को मिलिटरीली काउंटर करने से बचना चाहती है। वो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन्स, और भारत के लिए इसका सपना देखा था होमी जे भाभा ने। होमी जहांगीर भाभा ने केवल अपने विजन के बल पर इंडिया में न्यूक्लियर वेपन की रिसर्च लीड करते हुए बिल्कुल स्क्रैच से इस प्रोग्राम को क्रिएट किया। इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने से लेकर रिसर्च साइंटिस्ट पिक करने तक का काम होमी भाभा द्वारा किया गया, और आज उन्हें इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उनके कारण हमारा देश न्यूक्लियर कैपेबल बन पाया। लेकिन यह अत्यंत पीड़ा की बात है कि वो व्यक्ति जो केवल 18 मंथ्स में इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन बना सकने में कैपेबल था, उनकी मृत्यु एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि होमी भाभा की डेथ के कुछ ही दिनों पहले इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ अनएक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेज में हुई थी। कई एक्सपर्ट्स लाल बहादुर शास्त्री के अलावा होमी भाभा की डेथ के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करते हैं जिसमें यूएस की CIA जैसी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। आज के इस वीडियो का मकसद होमी भाभा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही पहेलियों को आपके साथ शेयर करना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम होमी भाभा की डेथ के अराउंड जनरेटेड उन थ्योरीज को जानने का प्रयास करेंगे जो उनकी डेथ के पीछे की कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करती हैं। इसके अलावा इन इंसिडेंट्स को उस समय की एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की नज़र से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के तौर पे मशहूर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 के दिन एक वेल्दी पारसी फैमिली में हुआ, जो उस समय के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन दिनशा मानिक जी पेटीट और दुराबजी टाटा से जुड़ी हुई थी। होमी भाभा की फैमिली में लर्निंग और फील्ड ऑफ एजुकेशन में सर्विस देने का एक लंबा ट्रेडिशन हुआ करता था। भाभा के ग्रैंडफादर, जिनका नाम भी होमी जहांगीर भाभा था, वो मैसूर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे। होमी भाभा के फादर जहांगीर हरमुजी भाभा की हायर एजुकेशन ऑक्सफर्ड में हुई थी। भाभा की मदर मेहरन सर दिनशा मानिक जी पेटीट की ग्रैंड डॉटर थी, जिन्हें बॉम्बे में उनके फिलंथ्रोपिक एंडोमेंट्स के लिए इज्जत दी जाती थी। और होमी भाभा की पैटर्नल आंट मेहरबाई की शादी टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी नुसरवानजी टाटा के ओल्डेस्ट सन सर दुराबजी टाटा से हुई थी। ऐसे परिवार से बिलोंग करने का इम्पैक्ट होमी भाभा पे भी हुआ। बॉम्बे के एल्फिनस्टोन कॉलेज से अर्ली स्टडीज पूरी करने के बाद उन्होंने 1927 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अटेंड की, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के KIS कॉलेज को ज्वाइन किया। 1931 से 1932 के एकेडमिक ईयर के दौरान होमी भाभा को सोलोमन्स स्टूडेंटशिप इन इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनवरी 1933 में अपनी पहली साइंटिफिक पेपर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन पब्लिश करने के बाद होमी भाभा को न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई। सितंबर 1939 में होमी भाभा जब हॉलीडे के लिए इंडिया आए तो उस दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हो गई, और उन्होंने कुछ समय के लिए इंग्लैंड वापस न जाने का फैसला किया। इस बीच इंडिया में उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से फिजिक्स डिपार्टमेंट में एज अ रीडर सर्व करने का ऑफर आया, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। इस ऑफर को स्वीकार करने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को रिनोन्ड फिजिसिस्ट CV रमन हेड कर रहे थे। दोस्तों, होमी भाभा को यकीन था कि यदि इंडिया को एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज होना है तो उसे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होगी। खुद को डिफेंड करने के लिए इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना आवश्यक है। इन्हीं बिलीफ के कारण होमी भाभा ने अपने क्लोज फ्रेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए कन्विंस किया कि इंडिया की प्रोग्रेस के लिए साइंस ही एकमात्र रास्ता है। अपने इस गोल को परस्यू करने के लिए भाभा ने इंस्टीट्यूट्स कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट को एस्टैब्लिश किया। 1944 में पॉइंट पार्टिकल मूवमेंट के आइडिया पे काम करते हुए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स रिसर्च की भी शुरुआत की। दोस्तों, होमी भाभा अपने परसूट के कारण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के फाउंडिंग डायरेक्टर बने। इसके अलावा उनके नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे यानी AEET को क्रिएट किया गया। आज AEET को होमी भाभा के ऑनर में
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है और TIFR और AEET इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट के कॉर्नरस्टोन माने जाते हैं। भाभा आगे चलकर इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी बनाए गए। इन्हीं कारणों से होमी भाभा को फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। साइंस में अपने योगदान के कारण होमी भाभा को एडम्स प्राइज और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1951 और 1953 से 1956 के बीच उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। दोस्तों, एयर इंडिया फ्लाइट 101 एक बोइंग 707 मॉडल जिसे कंचनजंगा के नाम से जाना जाता था, इंडियन न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के हेड होमी भाभा को कैरी करते हुए दुर्घटना का शिकार हो गई। जनवरी 1966 में हुई इस दुर्घटना में कंचनजंगा स्विस एल्प्स के मॉन्ट ब्लैंक पीक में क्रैश हुई, जिसमें प्लेन में मौजूद सभी 117 पैसेंजर्स की डेथ हो गई। इस फ्लाइट से होमी भाभा वियना की एक मीटिंग के लिए जा रहे थे। दोस्तों, इस क्रैश का ऑफिशियल कॉज पायलट और जेनेवा एयरपोर्ट के बीच प्लेन की लोकेशन को लेकर हुए मिसकम्युनिकेशन को बताया जाता है, लेकिन ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के अगेंस्ट ऐसी कई थ्योरीज भी हैं जिनके तहत ये क्रैश कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। इन थ्योरीज के अनुसार इस कॉन्स्पिरेसी में US की CIA का हाथ था, जो इंडिया को न्यूक्लियर पावर्ड नेशन नहीं बनने देना चाहती थी। दोस्तों, इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री 1964 में चाइना द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्टिंग से चिंतित थे और उन्होंने होमी भाभा से जानने का प्रयास किया कि क्या इंडियन साइंटिस्ट एक न्यूक्लियर अंडरग्राउंड टेस्ट कर सकते हैं। इसके जवाब में भाभा ने बताया कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में सक्षम है। अक्टूबर 1965 में ऑल इंडिया रेडियो पर डिक्लेयर करते हुए होमी भाभा ने यह क्लेम किया कि यदि उन्हें गवर्नमेंट परमिशन दे तो इंडिया केवल 18 मंथ्स में न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ एक स्ट्रेंज और इल इन्वेस्टिगेटेड सर्कमस्टेंसेस में 11 जनवरी 1966 को हो गई। कुछ ही दिनों के बाद 24 जनवरी 1966 के दिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा की जान एक मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन प्लेन क्रैश में चली जाती है। क्या ये दोनों डेथ्स केवल एक कोइंसिडेंस थी या इंडिया को न्यूक्लियर पावर नेशन बनाने का सपना रखने वाले इन लोगों को किसी साजिश के तहत मारा गया? कुछ एनोनिमस स्पेशलिस्ट के अनुसार भाभा को इस बात का यकीन था कि यदि इंडिया को अपनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से लड़ना है तो हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना ही होगा, जो इनिशियली पावर, एग्रीकल्चर और मेडिसिन जैसे सेक्टर्स तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच इंडिया को एटॉमिक वेपन डेवलपमेंट के लिए भी सीक्रेटली काम करना होगा। यही कारण है कि दूसरे न्यूक्लियर पावर्स इंडिया को न्यूक्लियर वेपन कैपेबल बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि यदि भाभा ने अपना काम जारी रखा तो जल्द ही इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और इसी कारण उन्होंने होमी भाभा को मारने की साजिश बनाई। दोस्तों, एक बुक कन्वर्सेशंस विद द क्रो के अनुसार राइटर जॉर्जरी डॉगलस ने फॉर्मर CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली से बातचीत के दौरान कई ऐसे सबूत इकट्ठे किए जो श्री लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा की डेथ को एक कॉन्स्पिरेसी प्रूव करती हैं। जॉर्जरी डॉगलस के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान रॉबर्ट क्राउली ने एलिज किया कि इन दोनों डेथ्स के पीछे CIA का हाथ था। क्राउली का क्लेम था कि होमी भाभा के प्लेन के कार्गो सेक्शन में एक बॉम्ब प्लांट किया गया था जो तब ब्लास्ट किया जब प्लेन एल्प्स के ऊपर से गुजर रहा था। यदि उस CIA ऑफिसर के वर्ड्स को कोट किया जाए तो उसने कहा, तुम्हें पता है हमें इंडिया से उन सालों में प्रॉब्लम्स थे जब 60s के दौरान इंडिया एटॉमिक बॉम्ब बना रहा था और वो उसी समय रशियंस के साथ अपनी करीबी बढ़ा रहे थे। होमी भाभा के रेफरेंस में रॉबर्ट क्राउली ने कहा, यकीन करो वो एक खतरनाक व्यक्ति था, वो वियना हमारे लिए और परेशानी खड़ी करने जा रहा था और जब उसके कार्गो में रखा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो सारे लोग एल्प्स के ऊंचे पहाड़ों में गिरे। इस ब्लास्ट में कोई रियल एविडेंस नहीं बचा और उनकी मौत के बाद दुनिया एक सेफर प्लेस बन गई। श्री लाल बहादुर शास्त्री को रिफर करते हुए CIA ऑफिसर ने कहा, जैसा कि हमें याद है ये हमारा बेस्ट शॉट था और हमने शास्त्री को भी ठिकाने लगाया। जिजोरी, यकीन करो ये लोग बॉम्ब बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे और क्या होता यदि ये अपने दुश्मन पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला कर देते। इन सब के अलावा ये रशियंस के साथ भी मिले हुए थे, हो सकता था कल ये पनामा कैनाल या लॉस एंजलिस पे हमला कर दें। दोस्तों, रॉबर्ट क्राउली ने इन डिस्कशंस के साथ ये साफ कर दिया कि उसके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अनुसार श्री लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा की मौत के पीछे CIA का हाथ था। यदि उस समय भारत और US के रिश्तों को देखा जाए तो इस बात को समझना कठिन नहीं होगा, जहां एक ओर इंडिया सोशलिज्म की ओर टिल्ट करते हुए USSR के साथ अपनी करीबियां बढ़ा रहा था, वहीं US के लिए पाकिस्तान एक क्रिटिकल नीड बन चुका था क्योंकि इंडिया और USSR के टाइज
मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से अमेरिकन इन्फ्लुएंस रिमूव करने में सक्षम थे। इन सब के अलावा हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वो दौर है जब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजिकल बैटल में उलझे हुए थे और हर कैंप ज़्यादा से ज़्यादा देश अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था। इंडिया ने यूँ तो नॉन अलाइनमेंट का रास्ता अपनाया था, लेकिन तब भी हमारे देश का गवर्निंग मॉडल सोशलिज्म की ओर बेंड हुआ करता था। साथ ही 1962 वॉर के बिटर एक्सपीरियंस के कारण चाइनीज थ्रेट की इंटेंसिटी को पूरी तरह समझते हुए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इंडिया की डिफेंस को लेकर कई नए इनिशिएटिव्स लिए, जिसके तहत इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्न आर्म्स और एमिनेशंस प्रोवाइड की गई। हमारी इस मुहिम में भी यूएसएसआर एक अहम किरदार निभाता हुआ दिखा। यूएसए के लिए इंडिया जैसी कंट्री का सोशलिस्ट ब्लॉक में इंक्लूड होना मंजूर नहीं था, और जब यूएसए को इंडिया न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करते हुए दिखा तो शायद इसे रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। इन्हीं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की ओर इशारा कर कई एक्सपर्ट्स इस बात का समर्थन करते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री और होमी जे भाभा की मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन डेथ्स के पीछे CIA का हाथ हो सकता है। दोस्तों, कई सोर्सेज के अनुसार डैनियल रोच, जो एक स्विस क्लाइंबर और एविएशन एंथुसियस्ट हैं, उन्होंने मॉन्ट ब्लांक एरिया से प्लेन के रेमनेंट्स कलेक्ट और रिसर्च करने में 5 साल दिए थे। प्लेन क्रैश के ट्रेसेस को एल्प्स में ढूंढते हुए डैनियल ने एयर इंडिया के रेमनेंट्स को ढूंढ निकाला था, जो 1950 या 1966 में क्रैश हुआ था। 2009 में पब्लिश हुई कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार डैनियल रोच ने ये स्टेट किया कि उस मलबे को देख वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि एयर इंडिया 101 को किसी मिलिट्री प्लेन या मिसाइल से इंटरसेप्ट किया गया था। उसके कुछ समय बाद माउंटेन रेस्क्यू वर्कर अर्नॉट क्राइस्टमैन और जूलियस बर्गर को एयर इंडिया प्लेन की क्रैश साइट के पास एक इंडियन डिप्लोमेटिक बैग मिला। इस बैग में हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन और द हिंदू न्यूज़पेपर्स के अलावा 1966 के कैलेंडर्स और न्यूयॉर्क के तत्कालीन इंडियन काउंसिल जनरल CJK मेनन को एड्रेस्ड एक लेटर था। दोस्तों, इस रीजन में एक और एयर इंडिया फ्लाइट 245 मालाबार प्रिंसेस 1950 में क्रैश हुई थी। रोच के अनुसार जहां एक और मालाबार प्रिंसेस के फ्रैगमेंट्स एक ही लोकेशन में डिस्कवर किए गए थे, वहीं होमी भाभा की फ्लाइट कंचनजंगा के फ्रैगमेंट्स 25 किलोमीटर के डिस्टेंस तक फैले हुए थे। मालाबार प्रिंसेस के फ्रैगमेंट्स का एक ही जगह इकट्ठा मिलना क्रैश का डेफिनेट एग्जाम्पल है, लेकिन कंचनजंगा किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट या मिसाइल द्वारा इंटरसेप्ट की गई थी, जिस कारण एयर में हुए ब्लास्ट से उसके फ्रेगमेंट्स 25 किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड पाए गए। यदि कंचनजंगा माउंटेन्स में क्रैश होती तो एक मैसिव फायर क्रिएट होती, क्योंकि ये प्लेन 41,000 टन्स ऑफ फ्यूल के साथ फ्लाई कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोच का मानना है कि 6,000 फीट की हाइट पे हुए इस ब्लास्ट के दौरान उस ऑल्टीट्यूड पे बेहद कम ऑक्सीजन रही होगी, जिस कारण कोई कमीशन नहीं हो पाया। अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोच को प्लेन का ब्लैक बॉक्स, पायलट हैंडबुक और कैमरा जैसे अनेक क्रूशल आइटम्स मिले। मिसाइल या मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इंटरसेप्ट करने के अलावा रोच का कहना है कि एयर इंडिया प्लेन के क्रैश होने के ही दिन इटालियन एयरक्राफ्ट के मिसिंग की भी न्यूज़ आई थी। हो सकता है कि इसी इटालियन फ्लाइट से होमी भाभा की एयरक्राफ्ट की टक्कर हो गई हो। उन्हें इस बात का कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कंचनजंगा का क्रैश होना कोई एक्सीडेंट था या कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि भाभा उस समय इंडिया को उसका पहला न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने के बेहद करीब आ चुके थे और दुनिया के दूसरे न्यूक्लियर पावर्स उन्हें किसी भी हाल में रोकना चाहते थे। दोस्तों, इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा की डेथ आज भी एक मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन प्लेन क्रैश बनी हुई है। श्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के केवल 13 दिनों के बाद होमी भाभा का डेथ होना कई सवाल उठाता है। जहां एक और ऑफिशियल रीजंस इस क्रैश को प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का मिसकम्युनिकेशन बताते हैं, वहीं इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के अनुसार कि CIA की एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, जिससे वो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पैरालाइज करना चाहते थे। इस बात की भी आशंका है कि कार्गो में रखे बॉम्ब की जगह इस प्लेन को किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट या मिसाइल से इंटरसेप्ट किया गया, जिस कारण प्लेन के फ्रैगमेंट्स 25 किलोमीटर के डिस्टेंस तक बिखरे हुए मिले। ये इंसिडेंट अब भी अंधेरे में है, क्योंकि एविडेंस के तौर पे ऑफिशियल्स को कोई गेन हासिल नहीं हुआ है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इंडियन अथॉरिटीज द्वारा जल्दबाजी में कंप्लीट की गई इन्वेस्टिगेशन को कवर अप की तरह देखते हैं। दोस्तों, होमी भाभा इंडिया को एक सेल्फ सफिशियंट न्यूक्लियर पावर्ड नेशन बनाना चाहते थे, लेकिन उनके जीते जी ये सपना पूरा नहीं हो सका। होमी भाभा के मौत के 8 ईयर्स के बाद उनका सपना साकार हुआ, जब 18 मई 1974 के दिन इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करने में कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, जिसके हिसाब से CIA ने होमी जे भाभा को मारा था।
इस थ्योरी या फिर कहें इस पॉसिबिलिटी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।